यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7, पवित्र वचन संख्या 1 से लेकर 10 तक। प्यारे साथियों, आज के इस सुसमाचार के अंश में हम सुनते हैं प्रभु यीशु एक शतपति के नौकर को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु उस शतपति यानी एक सेनापति जिसके अधीन 100 अन्य छोटे सैनिक होते थे, उसके महान विश्वास की तारीफ करते हैं। प्रभु यीशु उसके महान विश्वास की तारीफ करते हैं कि प्रभु ने इस शतपति के समान विश्वास इज़राइल में किसी के पास नहीं देखा। मेरे साथियों, यह शतपति यहूदी नहीं था, यह एक गैर यहूदी था और प्रभु यीशु के पास अपनी मन्नत लेकर आता है। यह था तो गैर यहूदी, लेकिन इसने इज़राइल के ईश्वर को अपनाया था, इसने इज़राइल के धर्म को अपनाया था। यह प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु के पास इंसान किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी का क्यों ना हो, वो सच्चे मन से विश्वास के साथ यदि प्रभु यीशु के पास आता है तो यकीन मानिए, प्रभु यीशु उसे कभी नहीं ठुकराएंगे। प्रभु यीशु उसे कभी नहीं ठुकराएंगे, प्रभु उसकी मन्नतें, उसकी मुरादें, उसके निवेदन को जरूर पूरा करेंगे। प्यारे साथियों, यहां पर इस शतपति के बारे में हम उसके महान विश्वास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। मैं आपके सामने इस शतपति के जीवन और उसके विश्वास से संबंधित 5 बातें रखना चाहता हूं। पहला है कि महान विश्वास परवाह करता है। उस शतपति का विश्वास इसलिए महान था क्योंकि वह परवाह करने वाला व्यक्ति था, किसी की खैर खबर रखने वाला व्यक्ति था। प्यारे साथियों, उस समय में नौकर या दास की जो समाज में स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, या कि कोई नौकर किसी के लिए एक इंसान नहीं हुआ करता था, उनके लिए एक कोई वस्तु हुआ करती थी जिसका उपयोग किया जाए, जिसका उपभोग किया जाए। लोग उसे किसी भी तरीके से उपयोग में लाते थे, वो एक काम की चीज हुआ करता था। तो एक ऐसे समाज में जहां नौकर की कोई कदर नहीं थी, ये एक व्यक्ति शतपति अपने नौकर की परवाह करता है। अपना नौकर बीमार होने पर उसके इलाज के लिए वह दौड़ पड़ता है, उसको ठीक कराने का वो इंतजाम करता है। कितनी सुंदर बात है। वो अन्य लोगों की तरह यदि चाहता तो वो भी उसे एक चीज की तरह खराब हो गया तो फेंक सकता था, उसे कहीं रोड पर जाकर छोड़ सकता था। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने नौकर के इलाज के लिए इंतजाम किया। वो प्रभु के पास खबर भिजवाता है, प्रभु यीशु से निवेदन करता है कि वो उनके नौकर को चंगा करे। प्यारे साथियों, ये नौकर पहले प्रभु यीशु से मिला तो नहीं, लेकिन प्रभु यीशु की शिक्षाएं इसने सुन रखी थी, प्रभु यीशु के बारे में इसने सुन रखा था, इसलिए उनकी शिक्षाएं उनके अंदर काम कर रही थी। प्रभु यीशु ने शिक्षा दी संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 के वचन 39 में। प्रभु का वचन कहता है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और इस बात को यह शतपति पालन कर रहा था, ये इसको प्रभु की शिक्षा को इसने आत्मसात कर लिया था। प्यारे साथियों, और भी हम सुनते हैं प्रभु का वचन संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 के वचन 12 में, जहां प्रभु कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। प्रभु कहते हैं, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। और ये शतपति उसी प्रभु की आज्ञा को मानते हुए अपने उस नौकर के लिए अपना जो प्यार है उसको दिखाता है।
अपनी जो करुणा है वो दिखाता है। दूसरी बात, महान विश्वास प्रभु यीशु के पास जाने में खुद को अयोग्य मानता है। इस शतपति के पास महान विश्वास था और उसी विश्वास ने उसे यह मानने के लिए मजबूर किया कि वो कमजोर है, वो अयोग्य है। वो एक शतपति था, सैनिक की ट्रेनिंग उसने ले रखी थी। एक सैनिक की ट्रेनिंग में उसे लोगों को मारना सिखाया गया, उसे अपने दुश्मनों की सेना के ऊपर हमला करना सिखाया गया था। हो सकता है कभी कभी उन्होंने किसी को मारा भी होगा, तो उनके अंदर वो एक ग्लानी की भावना थी, एक गिल्ट फीलिंग थी, इसलिए वो खुद को छोटा मानता है, पापी मानता है, प्रभु के पास जाने के लिए मना करता है और प्रभु को अपने पास आने के लिए मना करता है। तीसरी बात, एक महान विश्वास ईश्वर को खोजता है। उसके पास ये महान विश्वास था कि वो ईश्वर की खोज करता है। उसने अपने रोमी धर्म को छोड़ा, रोमी देवी देवताओं को छोड़ा और उसने सच्चे ईश्वर की तलाश की और इज़राइल में उसे सच्चा खुदा मिला तो उसने उसको अपना लिया। और इतना ही नहीं, उसने अपने उस नए धर्म के लोगों के लिए एक सभागृह भी बनवाया। इजरायली लोग गैर यहूदियों से नफरत करते थे, लेकिन अपने नफरत करने वाले लोगों के साथ उसने अच्छा रवैया अपनाया। प्यारे साथियों, उसने सच्चे ईश्वर को खोजा और वो सच्चे ईश्वर की खोज में प्रभु यीशु तक पहुंच गया, जो परमपिता ईश्वर का इकलौता बेटा है। चौथी बात, महान विश्वास प्रभु की शक्ति का हकदार बनता है। महान विश्वास प्रभु की शक्ति का हकदार बनता है। उसमें महान विश्वास था, इसलिए वह प्रभु की शक्ति का, प्रभु की कृपा का, प्रभु के अनुग्रह का हकदार बन गया। यदि उसमें यह विश्वास नहीं होता तो उसका नौकर चंगा नहीं होता। मेरे साथियों, पांचवी बात है, महान विश्वास ख्रिस्त पर केंद्रित होता है। महान विश्वास ख्रिस्त पर केंद्रित होता है। इब्रानियों को लिखे पत्र अध्याय 11 के वचन 6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना ही है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। शतपति यीशु की खोज में लगा रहा। शतपति ने न केवल यीशु की खोज की लेकिन उन्होंने विश्वास भी किया और उनका विश्वास अन्य इजरायलियों से महान था। प्यारे साथियों, हम इन पांच गुणों को, विश्वास के इन पांच गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करें। विश्वास दूसरों की परवाह करता है, विश्वास अपने आप को ईश्वर के सामने जाने में अयोग्य मानता है, अपने आप को पापी, अपने गुनाहों को कबूल करता है, विश्वास महान और एकमात्र ईश्वर की खोज करता है, विश्वास प्रभु की शक्ति का हकदार बनता है और विश्वास ख्रिस्त पर केंद्रित हो। प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु हमें इन सभी पांचों आयामों को हमारे जीवन में ग्रहण करने और उनके अनुसार अपने विश्वास को ढालने और मजबूत करने की कृपा प्रदान करें।